तो है गाइस, वर्ल्ड कप 2023 का टिकट बुकिंग के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। तो जैसे मैंने कि कल का जो वीडियो अपलोड किया था वहां पे बताया था कि जो ईडन गार्डन मैच के बारे में, ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में कुछ नया अपडेट आया है, उसके बारे में मैं आज वीडियो लेके आऊंगा। तो इसलिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। ऐसे तो गाइस आप देखोगे बुक माई शो में जो कल मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसका टिकट अभी भी जो है सोल्ड आउट दिखा रहा है, कमिंग सून नहीं दिखा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी मैच कमिंग सून दिखा रहा है इंडिया का, तो अदर कंट्री का तो ऐसे मिल रहा है, बट इंडिया का जो भी मैच यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है उसका टिकट कब तक आने वाला है। तो कैसे कुछ जो टिकट ओपन होने का डेट एंड टाइम है ना, मैच से 5-6 दिन पहले एक बार ओपन हो रहा है एंड मैच से 1 दिन पहले ओपन हो रहा है, जो आपको पिकअप ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस से, टिकट पिकअप करना है ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद। अब कैसे देखो, जैसे मैंने कि कल बताया था कि ईडन गार्डन के बारे में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आया, बट ये गुड न्यूज सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर जो है मेंबर के लिए। जी हाँ गाइज, ईडन गार्डन में जैसे टोटल 5 मैच होने वाला है, यही 5 मैच में आप जो है टिकट फ्री में पा सकते हो। तो गाइज देखो, यहाँ पे ईडन गार्डन का सबसे पहला जो मैच है बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड, जो यहाँ पे 28 अक्टूबर को होने वाला है, इसका टिकट मिलने वाला है। तो इसका टिकट जो है 21 तारीख सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको बुक करना है एंड यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से मिलेगा। जो सीएबी का जो यहाँ पे मेंबर टाइप है, जैसे कि लाइफ टाइम मेंबर, एसोसिएट मेंबर एंड यहाँ पे एनुअल मेंबर, इन सभी को जो है फ्री में टिकट मिलेगा। बट यहाँ पे आपको जो है टाइम एंड डेट पता होना चाहिए। फ्री टिकट जो है बहुत ही लिमिटेड ओपन होगा, अगर आप उसी डेट पे उसी टाइम पे जाके टिकट बुकिंग करते हो, ये जो है बुक माई शो में नहीं आएगा। www.thecricketassociationofbengal.com यहाँ पे इसी वेबसाइट में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको जाके लॉगिन करना पड़ेगा एंड जैसे आप लॉगिन करोगे वहां पे आपको मेंबरशिप शो कर देगा। अगर आप पहले जाओगे पहले आपको टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे इसका टाइम एंड डेट बता देता हूँ। तो सबसे पहले बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड का जो टिकट है ना, आपको 21 तारीख यानी कि आज सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे के अंदर मिलेगा। अब गाइस देखो, अगर आपको ऑनलाइन पे फ्री में टिकट मिल गया, फिजिकल टिकट तो आपको चाहिए, फिजिकल टिकट के बिना तो आप एंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ फिजिकल टिकट कलेक्ट करने के लिए कौन सा डेट एंड टाइम रहेगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड का टिकट जो है आपने ऑनलाइन पे बुक किया, उसका टिकट फिजिकल टिकट आपको मिलेगा 25 अक्टूबर यानी कि 25 अक्टूबर को सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक एंड गेट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ ईडन गार्डन स्टेडियम। तो नेक्स्ट जो मैच है यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, ये भी 21 तारीख आपको टिकट मिलेगा सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे तक, बट इसकी जो टिकट कलेक्ट होगा फिजिकल टिकट 26 अक्टूबर को होगा, 26 अक्टूबर सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक एंड इसका जो गेट नंबर 5, 6, 7, 8 ईडन गार्डन का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, ये भी ईडन गार्डन में होने वाला है, इसका भी टिकट जो है 21 तारीख मिलेगा सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे तक, ठीक है। तो इसकी जो डेट है 29 अक्टूबर सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक एंड यहाँ पे गेट नंबर वही 5, 6, 7, 8 ईडन गार्डन का, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सभी को टिकट चाहिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 नवंबर को मैच होने वाला है, इसका टिकट आपको मिलेगा 23 अक्टूबर को मिलेगा सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे तक एंड इसका जो टिकट आपको कलेक्ट करना है 2 नवंबर को कलेक्ट करना है, 2 नवंबर को सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक, वही 5, 6, 7, 8 गेट ऑफ ईडन गार्डन। अब यहाँ पे और एक मैच आपको बताया कि सेमीफाइनल 2 मैच होने वाला है ईडन गार्डन पे, इसका टिकट भी जो है 23 तारीख को मिलेगा, 23 अक्टूबर सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे तक, मतलब जो मेन मैच है इंडिया का एंड सेमीफाइनल का यहाँ पे 23 तारीख को मिलने वाला, बाकी जो बाकी 3 मैच है 21 तारीख मिलेगा सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे तक। टाइम सभी का सुबह 11 से लेकर 8 बजे तक है, बट यहाँ पे सेमीफाइनल 2 का जो टिकट है आपको फिजिकल टिकट कलेक्ट करना कहाँ पे, 9 नवंबर को कलेक्ट करना है सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक, गेट नंबर 5, 6, 7, 8 ऑफ ईडन गार्डन, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। बाकी देखो, यहाँ पे अगर आप मेंबर नहीं हो ईडन गार्डन का यानी कि सीबी का, तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये ईडन गार्डन का टिकट जो है ना अगेन रीओपन होने वाला है साउथ अफ्रीका के लिए, तो इसके लिए मैं अपडेट दे दूंगा आगे, आप जगह ऑनलाइन पे बुक कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।